नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। यहां पर यूजुअली जितने भी डीजेज आते हैं वो बाय डिफॉल्ट आते हैं, मतलब यू नो अगर कुछ नहीं मिला तो फिर में वो, लेकिन हार्दिक के बारे में बताना चाहूँगा दैट हार्दिक इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, पढ़ाई में भी बहुत ध्यान रखता है, बहुत यंग है। जितना पढ़ाई में ध्यान रखता है उतना ही वो डीजेइंग में भी उतना ही ध्यान रखता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द वे ही इज़ ग्रोइंग। ये मेरा सेकेंड नाइट है आई थिंक यू नो हार्दिक के साथ। लास्ट टाइम भी मैंने जो पार्टी की थी, अब ऐसा ही हो गया कि जब हार्दिक प्ले करता है तभी मैं पार्टी करता हूँ। हार्दिक कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। बिल्कुल। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आई थिंक ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड आई होप ही गोज प्लेसेस एंड जल्दी से गर्लफ्रेंड भी बना ले। बड़ा हो गया अभी। नहीं बस अभी आप देख ही दोगे अभी थोड़ी देर पे। तो कितनी एक्साइटेड है आज के? हां कितनी एक्साइटेड है आज के बाद बैरल में परफॉर्मेंस देने वाले? मतलब 17 से 18 गिग्स हो चुकी है। वेलकम। मैंने परफॉर्म करना था अभी, आज चांस मिला है तो अच्छी बात है, इसलिए देखते हैं अभी कैसा क्राउड का रिएक्शन होता है जब मैं प्ले करता हूँ। तो आप डीजेइंग कब से कर रहे हैं और किसने मोटिवेट किया आपको इस पे बनाने के लिए? मतलब मैंने खुद से ही मोटिवेट कर दिया कि तो बाद में मैंने डैड को पूछा कि डीजेइंग करना है तो डैडी के सामने से हाँ बोल दिए। तो अबाउट द बैरल, well, I have been here and it's a very happening place for the youngsters. Obviously the disco is actually the happening place for every youngsters, but this is the one is which very unique and very different. Whenever you come here it's a very different music and different ambience when you have never seen ever before. It's very unique, so I love to come here. Whenever I want to plan somewhere to go out I come to Bhairal. वेल यू नो वॉट, जब बिग बॉस में जो पर्सन जो होता है और जब वो अंदर जाता है उसके बाद जब वो बाहर आता है वो डिफरेंट पर्सन है और जो आता है वो डिफरेंट पर्सन है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। जब आप अंदर जाते हो आप कुछ होते हो और आप कुछ और आते हो। आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। जब मैं वहाँ से आई तो आई वॉज लाइक अ काइंड ऑफ लाइक अ वॉरियर कि आई कैन, मैं हर चीज़ से लड़ सकती हूँ और कोई भी चीज़ हो सकती है। I can survive and I can stand for anything after a big boss. वो मैं feel कर सकती हूँ। So for see, I don't say anything for Hina Khan and for Shilpa, but जब आप बाहर आते हो तो आप एक different person हो जाते हो। So वहाँ रहने के बाद जो आपके साथ चीज़ें होती हैं, it's a very different thing. So जो भी आपके साथ situation हुई है और आप जब उसके बाद अलग हो जाते हो, it's a big boss call. You know, आप you can't say anything. बिल्कुल मेरे बेटे जैसे, उनके डैडी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे 25 साल पुराने दोस्त। कम उम्र में उसको जब उसने मेरा पहला शो किया था मेरे ही कोई इतना मतलब नहीं था एंड इतनी कम उम्र में इतना सब अचीव करना बिल्कुल आसान नहीं है। जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं बिल्कुल नफर था। मुझे बहुत साल लगे, मुझे करीबन 8-9 साल लगे ये प्रोफेशन सीखने में, थोड़ा आगे बढ़ने में। एक एक चीज़ जो कलाकारी होती है हमारी, जो टेक्निकलिटीज होती है, वो सीखने में बहुत समय लग गया। इट्स अ वेरी वेरी शार्प इंटेलिजेंट एंड उसका पूरा जो ध्यान है आर्मी का, उसका फोकस जो है एकदम 100% ये डीजे में। मैं बहुत खुशी ऐसा कर रहा हूँ और मैं एंटिसिपेट भी कर रहा हूँ और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि पिछले 1-2 वर्षों में वन ऑफ द लीडिंग डीजेस ऑफ द कंट्री। मेरे भाई हरी जी की नया अभी गाना निकल रहा है होली की, तब से बहुत ही अच्छा वीडियो बना है। बहुत किंग ऑफ डीजेस डीजे अख्तर, द ओनली मैन हु कैन टेक एनीबडी डांस एंड एवरीबडी डांस, डीजे अख्तर मैन, लव यू ब्रो। वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो वैलेंटाइंस डे के लिए क्या कहना चाहिए आज? वैलेंटाइंस डे तो मतलब प्यार मोहब्बत वाली बातें होती है और क्या होता है, आपके तो चेहरे पे ही मुस्कान आ गई है। वैलेंटाइन आपने तो कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा,
कुछ ना कुछ तामझाम किया होगा. इसी तरह हम भी बैरल में बहुत सारा कुछ तामझाम लेके आने वाले कपल्स के लिए, सिंगल्स के लिए, और जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं शादीशुदा उनके लिए. फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़.